सर प्लीज कम इन साइड सर लोटस इजी बनाते आइए सर प्लीज कम इन साइड मेरे लिए दो आफ्टर ही सर मेरे ये बिल इंटरव्यू करते हैं मैम हां जी बिल्कुल ये भी है मैम इधर रह जाइए थैंक यू सर क्योंकि वो जमाने में तो ऑयल कलर यूज करता था अभी तो आखिर नहीं कितना इफेक्टिव सर ये ऑयल है हाँ बट आजकल इतना वो क्या बोलते हैं ब्राइट कलर्स आया है ना एक्रेलिक में वो एक दिन में आप 10 पेंटिंग कर सकते हैं सूख जाता है पर सर ऑयल तो ऑयल है हाँ बेबी ऑयल पेंटिंग कर रहा हूँ ओके मुझे पसंद है सर आपका एक छोटा सा बाइट ले लेते हैं दिस इज संजय अग्रवाल आई एम एट निशा दयाल जी स्टॉल वी हैव द चेयरमैन ऑफ ललित कला एकेडमी अभी लास्ट वीक वी वर देयर सर आपका जो पूरा उधर हम लोग थे गैलरी पे ओके वी आर मीटिंग ऑल द आर्टिस्ट सर आपको इंडियन आर्ट फेयर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे इंडियन आर्ट फेयर में पहले बार यहाँ आया है दिल्ली में बट इसका पहले बॉम्बे में हम जाते रहता है बट हमारा दोस्त है वो मिस्टर पटेल जी तो इंडियन आर्ट फेयर एक प्रमोटिंग एक स्टाइल है बट उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा सॉरी टू से दैट क्योंकि आर्टिस्ट लोग इतना स्पेंड करते मैं भी एक 18 फीट का पेंटिंग डिस्प्ले किया था आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रेमिंग एंड ऑल बट आफ्टर दैट आई डिडंट गेट एनीथिंग तो इससे एक सैड सीन है वो क्योंकि आप इतना स्पेंड करोगे कुछ तो होना चाहिए एटलीस्ट नहीं तो ये ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को एक दो पेंटिंग लेना चाहिए yes, तो ऐसा है तो आगे बढ़ सकते हैं नहीं तो क्या है अभी देखिए आपको ज़्यादा कुछ ऐसे कुछ आर्टिस्ट लोग नहीं मिल पा रहे इसी कारण यही है ऐसे कुछ मार्केटिंग यहाँ हो नहीं हो रहा है तो राजेंद्र जी को थोड़ा और भी ज़्यादा करके बड़ा बड़ा बायर्स को लेके उसको इसमें जोड़ना चाहिए उसको बोलना चाहिए एक दो पेंटिंग ले लो बायर सेलर मीट इज़ नॉट हैपनिंग हाँ नहीं तो कैसे देखिए अभी शो किया इतना पैसा खर्चा किया उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा ना आपको फिर पेंटिंग करना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा सर आप अपने अभी थोड़ा सा अपना परिचय भी हम लोग हाँ अभी जो मैं भी नागदास अभी तो मैं चेयरमैन हूँ ललित कला अकेडमी के बेसिकली आई एम फ्रॉम केरला आई स्टडीड इन शांति निकेतन उसके बाद लास्ट 37 ईयर्स आई वॉज इन कैरागढ़ यूनिवर्सिटी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एज ए प्रोफेसर बेसिकली आई एम ए प्रिंट मेकर आई यूज टू पेंट ऑल्सो तो अभी एक मौका मिला है अकेडमी में 3 साल के लिए कुछ करना है देखिएगा कितना कर पाएंगे तो अभी नया नया प्रोग्राम आई एम डूइंग सम चेंजेस देयर तो चेंजेस कब करेंगे तो आपका प्रॉब्लम भी आएगा पॉलिटिकल प्रॉब्लम कि आप ललित कला मेला करें दोबारा से मेला करना है देखिए हम ट्रनाले करने का प्लान कर रहे हैं ट्रनाले में हमको 150 कंट्री का लोगों को बुलाना है वी नीड अ ह्यूज फंड नहीं मिले तो कैसे करोगे प्रिंट बिनाले करना है ना उसके बाद साउथ इंडिया में कुछ सेंटर अभी मध्य प्रदेश में कोई रीजनल सेंटर नहीं है साउथ में सिर्फ एक ही रीजनल सेंटर है वो चेन्नई में है तो हमने प्लान कर रहे हैं एक छत्तीसगढ़ में खुले एक पुणे में खुले एक हैदराबाद में खुले प्लानिंग चल रहा है बट हमको मिनिस्ट्री कब तक उसका परमिशन और फंड नहीं देंगे मुश्किल होता है सर अभी जो निशा दयाल जी हैं आप देख रहे हैं लोटस आर्टिस्ट बोलते हैं हम लोग इनको हाँ सो शी हैज डन लॉट ऑफ वर्क इन द फ्लावर्स यू नो नेचुरल नहीं नहीं देखिए शी क्रिएटेड लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्सचर्स यू नो ये सबके बस का बात नहीं है है ना वो बहुत मेहनत करना पड़ता है एक एक लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय तो शी हैज डन ए वंडरफुल वर्क तो मुझे लगता है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है तो ये यहाँ रुकना वाली नहीं है वो चलेगा बट मैम हैज बीन अ टीचर एट स्कूल तो हमारा अकेडमी में शो कीजिए सर मैं तो आई एम रियली डाइंग टू हैव शो इन योर हां जी मैं जरूर दूंगी हमारा गैलरी में भी काफी लोग आना शुरू हो गए सो सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्लीज एंड सच अरे आपके लिए है अकेडमी मेरे लिए नहीं है मैं तो कब से सोच रही हूँ कि आप मुझे मौका दीजिए मेरे पास अपनी एक छोटी सी गैलरी भी है प्राइवेट गैलरी और मेरे पास करीब 40-50 पेंटिंग्स हैं घर में मेरी गैलरी में पर ये है कि मैं प्राइवेट गैलरी है उसमें कोई मार्केटिंग नहीं की है नोबडी नोज मी आई स्टे इन नोएडा सेक्टर 46 पर मुझे कोई जानता नहीं है इतना तो आप मैं जुड़िए जी जी ओके एकेडमी में बहुत एडमिशन बढ़ा देंगे ना तो प्राइवेट गैलरी को हम जोड़ देंगे सर इज लैंडेड हियर लाइक एन एंजल यस सर ऐसा कुछ नहीं है भाई बट आप लोगों का सब मिलजुल के हम करेंगे ना एकेडमी भी आगे बढ़ेगा आप लोगों को सबको मौका मिलेगा अभी क्या है एकेडमी का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ क्योंकि वहाँ ज़्यादा आर्टिस्ट लोग आता नहीं है
हम अभी ट्राई करें सबका अट्रैक्ट करें बुलाएं, तभी जतिन दास का भी 8 तारीख को एक शो है। अच्छा, हाँ तो वहाँ कुछ हमारे पास कितना मास्टर लोगों का कलेक्शन है ना, उसके शो भी 8 तारीख को शुरू हो रहा है। हुसैन हुसैन सबका काम, आप आइए देखें। आपका कार्ड दीजिएगा, वैसे हम ये हमारा दोस्त है, ये मैं जानती हूं, बस उसका बोलिए ये आते रहता है, आप अप्लाई आप मेरे को बता देना जब भी आप करोगे ना अप्लाई, एक बार मुझे बता, ठीक है? थैंक यू। बाकी हम करेंगे। मैंने दो बार जब अप्लाई किया उसके बाद तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे उम्मीद मत छोड़िए, अरे कुछ स्पेशल लोगों के लिए है। 10 बार गिरेगा तो फिर चलना सीखता है ना। सर मैं ये जानती हूँ कि मैं मेहनत करने को तैयार हूँ।